शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मोइन अख्तर शो में आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम हम आप तक पहुँचाएंगे। प्रोग्राम शुरू करता हूँ। टेलीविजन जो है, टेलीविजन ने बहुत सारे लोगों को बहुत शोहरत दी। मैं इस वक्त टेलीविजन के एक ऐसे अदाकार को बुला रहा हूँ जो अपनी जवानी में बुढ़ापे का रोल बड़े शौक से किया करते थे और इस बुढ़ापे में वो हमारे हीरो हैं। ख्वातीन हज़रात, द वन एंड ओनली अदाकार शकील और उनकी बेगम। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप बाहर तशरीफ ले जाएं क्योंकि मुझे आपकी बेगम से कुछ बातें करनी है। अगर आप मुझे बाहर ही भेजना है तो बुलाए क्यों पहले? देखिए, पहले बुला के तारुफ करा देते हैं, उसके बाद जो काम है वो बाद में शुरू होगा। देखिए, मैं उम्र के उस हिस्से में मुझे तारुफ की जरूरत नहीं। वाह, क्या अच्छी बात की है। उम्र के उस हिस्से में मतलब आप उम्र के किस? ये देखिए, ये मुईन अख्तर शो है, ये मेजबान है, मेहमानों को बुलाते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। यही तो ये मेरा कहां का कसूर है? ये दुनिया का वाहिद आदमी है जो ये ऐसा कर सकता है, वरना किसी और को करके वाहिद मेरे दोस्त है जो ये कर सकते हैं। थैंक यू। तशरीफ ला रही है, समन आगा। तैयार है? इनाम है एलजी होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन वालों का इनाम। अगर आप सही जवाब दिए दोनों ने, टैली हो गए, तो आपको इनाम मिलेगा। यू रेडी? आपने ये बात पहले नहीं बताई थी। अच्छा, अब इनाम के शौक में ज्यादा तवज्जो से आप जवाब देंगे। आई एम अ हाउसवाइफ, यस। ओके, अभी पता सुने, गलत जवाब देने पर वापस भी ले लेंगे इनाम। आप मुझे एक बात बताएं। पहले बताते तो मैं कुछ टैली तो करके आती। नहीं नहीं, ये सवाल तो हमने बनाए हैं, प्रोड्यूसर ने बनाए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, रेडी? 1 2 3। आपकी शादी जिस रोज हुई उसका वक्त क्या था? आफ्टरनून। कितने बजे? नहीं, टाइम। अच्छा अच्छा, नहीं, शाम का था। नहीं, शाम का था। देखिए, शाम का था, एक जवाब चाहिए। शाम का, दोपहर का? शाम का। ओके, आप शकील को घर में क्या कह के बुलाती हैं? यूसुफ। मछली, दाल, झींगे में सबसे ज्यादा क्या शौक से खाते हैं? दाल। मछली कहते कहते दाल कह गई। घर में कितनी देर अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं? बहुत कम, बहुत कम। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसे किया? ये क्या बात हुई? जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किसे किया? अम्मी से। अम्मी से। पसंदीदा शेर कौन सा है? एक है जो मुझे याद नहीं है। अच्छा, किस किस्म की किताबों का मुताला ज्यादा करते हैं? अब मजहबी किताबों का। घर में खाना कौन से दिन पकाते हैं? हरगिज नहीं पकाते। ओके, किस बात पर सबसे ज्यादा नाराज होते हैं? जब मीठा नहीं बनाती मैं। ओके, किस बात पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं? जिस दिन हम सब नमाजें पढ़ें। अच्छा, आपको सबसे पहला तोहफा कौन सा दिया? एक हीरे की अंगूठी दी थी। अच्छा, असली था वो हीरा? बिल्कुल, हीरे असली थे। ओके, आपको कौन सी, आपकी कौन सी फरमाइश है जो कभी पूरी नहीं की उन्होंने? ऐसी कोई फरमाइश नहीं है। हाय अल्लाह। कौन सा अदाकार पसंद है? बाहर के अदाकार पसंद। कोई? अच्छा, बाहर के अदाकार पसंद है, ये याद रखना। बाहर के कौन सी अदाकारा पसंद है? वो भी बाहर की पसंद है। ओफो, हाँ। ओके, किसके साथ टीवी पर काम करने मजा आता है, बाहर के अदाकार के साथ? उन्होंने किया नहीं अभी तक बाहर के अदाकार के साथ, लेकिन उनको सबके साथ अच्छा लगता है। ओके, कंजूस है या शाखर्च है? काफी कंजूस है। गुड। उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? नहीं, मैं समझती हूँ अल्लाह का बहुत करम रहा है। अल्लाह का बहुत करम रहा है। बाईपास के बाद उनमें क्या तब्दीली आई? जरा चिड़चिड़े हो गए। चिड़चिड़े हो गए हैं। सुबह 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 उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं। चाय के साथ क्या चीज पसंद करते हैं? चाय के साथ फौरन नाश्ता। नाश्ता। चाय में चीनी कितने चमचे पीते हैं? डेढ़ चम्मच। डेढ़ चम्मच। आपकी शादी कौन से दिन हुई? याद नहीं है। किसी को भी याद नहीं है। शादी के रोज पहली बात उन्होंने क्या की? तुमने वो जूता क्यों नहीं पहना जो मैंने भेजा था? मैं सच बोल रही हूँ। शकील का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आप बहुत उनके अच्छे दोस्त। ओके, लिखना, मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ। शकील दुनिया में सबसे कीमती चीज किसको समझते हैं? मेरा ख्याल है औलाद होती है।
ख्याल नहीं, एक जवाब डेफिनेशन चाहिए। इस तरह के घर में बैठ के हम लोग बातें नहीं करते कि तुम्हारी कीमती चीज कौन सी है। लड़कियों नहीं, इन्होंने कहा जल्दी जल्दी जवाब देने घर से। यही तो इसका 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 कमाल यही है कि तेजी से जवाब देंगे, जब ही तो लड़खड़ाता आदमी, बौखलाता है, इतना आंसर। अच्छा आपकी शादी कब हुई? सुने, अदाकारों से आप बातें करें, आप घर की औरत को बुला के। घर की औरत सबसे ज्यादा बोलती है, आपको पता ही नहीं है इस बात का। हांडी रोटी की बात करें ना। हाँ, हांडी रोटी की भी बात करूंगा। अब मैं बुलवाता हूँ दूल्हा साहब को, जिनसे सारे सवालात मैं रिपीट करूंगा। अब आप लोग लुत्फ लेंगे कि दोनों में कितनी हम आहंगी है और कितने इनकी अज़दवाजी जिंदगी खूबसूरत है। शकील, आप तैयार हैं? आपने कोई आवाज तो आपको नहीं आई थी। शकील, आप सच बोलते हैं, झूठे आदमी नहीं है। बाहर आवाज कुछ आ तो रही थी, ऐसी थी कि समझ में नहीं आती थी वो क्या आवाज है। झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़ते हो पांचों वक्त की, झूठ बोलना बुरी बात है। जो आपने पूछा है कह दिया, मैंने कोई हलफ तोड़ा नहीं, मतलब कुछ। बाकी नहीं, ओके। तो बहुत जल्दी पूछा, हो सकता है मैंने उल्टा सीधा कह दिया। ये पहले से मतलब होने वाले झगड़े को आप पहले से ही बैलेंस कर रही है कि कहीं रास्ते में तुमने ये क्यों जवाब दिया? तो भाई मैं क्या करती, वो पूछ इतनी तेज तेज रहा था मुझे, मैं क्या करती? ओके, ये रेडी? अच्छा, बीच में प्रॉम्प्टिंग नहीं करेंगे नहीं। तो घर में होता है वो, आप यहाँ नहीं करेंगे? ओके, यू आर रेडी? अच्छा शकील, जवाब बहुत तेजी से देने, ओके, सोचने का टाइम कम है। आपकी शादी जिस रोज हुई उस वक्त वक्त क्या था? शाम का वक्त। ओके, या आपको घर में क्या कह के बुलाती है? यूसुफ। मछली दाल झींगे में सबसे ज्यादा क्या शौक से खाते हैं? दाल। आपने दाल नहीं कहा था? जी दाल कहा था। माँ मछली कहते कहते दाल। आप माफ कर दीजिए, उम्र का तकाजा। ओके ओके, घर में आप कितनी देर अंग्रेजी में गुफ्तगू करते हैं? मिला जुला रुझान होता है। वो कहती है बिल्कुल नहीं करते हैं, लिखते जाए, गलत हुआ। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे किया? नो प्रॉम्प्टिंग। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे किया? मां से, बच्चों से। पसंदीदा शेर कौन सा है? बहुत सारे अशआर हैं, मगर ये तो कह रही थी एक है, मुझे याद नहीं है। मुसीबत का अहवाल औरों से कहना, मुसीबत का अहवाल औरों से कहना, मुसीबत से है ये मुसीबत ज्यादा। किस किस्म की किताबों का ज्यादा मुताला करते हैं? मुताला कम ही करता हूं, मगर अगर करता हूं तो तसव्वुफ की किताबें पढ़ता हूं। ओके, घर में खाना कौन से दिन पकाते हैं? कौन से दिन? हाँ, किसी दिन भी नहीं पकाता। अच्छा, किस बात पर सबसे ज्यादा नाराज होते हैं? ये तो बड़ी लंबी कहानी है, मगर ये कि आम तौर पर जिस बात पर नाराज होता हूँ वो ये कि अगर ये खाने में मीठा नहीं देती है। यार कल से आज भी इस बात पे हुआ था। अच्छा, मगर आज क्योंकि इन्होंने शाम को नियाज दी थी तो इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छा, किस बात पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं? किस बात पर सबसे ज्यादा खुश होता हूँ? ये तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या? हाँ, सारी बातें हैं, मुनसर है। ओके ओके, आपसे पूछे जब पूछो, जब बात कीजिएगा। आपको सबसे पहला तोहफा कौन सा दिया? आपने इनको सबसे पहला तोहफा कौन सा दिया? सबसे पहला तोहफा कौन सा दिया? सबसे पहला तोहफा तो मैं नहीं कह सकता उसे, मगर ये कि शादी के हवाले से जो अहम तरीन थी। तकरीर की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सवाल किया है कि शादी का पहला तोहफा कौन सा दिया था? अंगूठी दी जाती है शादी में, अंगूठी दी जाती है। किस किस्म का अंगूठी दी थी आपने? एक हीरे की दी थी।
आपकी कौन सी फरमाइश है जो कभी इन्होंने पूरी नहीं की? मेरी ऐसी कौन सी फरमाइश है जो इन्होंने पूरी नहीं की? आप पे तलत हुसैन का असर आ रहा है, काफी पॉजिटिव है। नहीं मतलब बात झगड़े वाली है। नहीं तो करें, खुद क्या करें, इसमें क्या है? इस घर में झगड़ा नहीं होता। मेरे ख्याल में नहीं पता, नहीं बहुत सारी बातें हैं। नहीं कोई एक बता दे। शकील कम हो, बी सपोर्ट। किस बात पे? कौन सी ऐसी फरमाइश है जो इन्होंने पूरी नहीं की? मेरे ख्याल में कोई ऐसी खास फरमाइश ऐसी नहीं है जो मैंने कभी इनसे की हो। कौन सा अदाकार पसंद है आपको? ये कौन सा अच्छे लगते हैं? बस बस अच्छे लगते। ओके ओके ओके, कौन सी अदाकारा पसंद है आपको? रूही बानो, अज़मा गिलानी। अच्छा, किसके साथ टीवी पर काम करके मजा आता है? मेहता शाह आर्टिस्ट। कंजूस हैं या शाहखर्च हैं? नीम नीम हूँ। नहीं नहीं नहीं, सही बताएं, कंजूस हैं या शाहखर्च? शाहखर्च नहीं, शाहखर्च। अच्छा ओके, कंजूस हैं इसका मतलब है। कोई अपने मुंह से चीज का इकरार करता है? अच्छा, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो? नहीं भाई, अल्लाह करम है, वैसे तो बेताजा ख्वाहिश। हजारों ख्वाहिश है, ऐसी गैर ख्वाहिश एकदम निकले। बाईपास के बाद आप में क्या तब्दीली आई? पता नहीं, तब्दीली तो ये ज्यादा बेहतर बता सकते। नहीं बोलूं तो बता दिया, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप उनका क्यों इशारा कर रहे हैं? ज्यादा परहेज करने लगा चीजों से। आपने कहा था ज्यादा चिड़चिड़े हो गए। अभी मैं खुद नहीं कह सकता ना, मैं दूसरा ही जज कह सकता। कहना चाहिए ना आपको। मैं कैसे, मैं तो नहीं समझता चिड़चिड़ा हुआ। अच्छा ओके, मैं तो समझता बहुत खुशमिजाज हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह को याद करते हैं और वॉक करते हैं। ओके, चाय के साथ क्या चीज पसंद करते हैं? अब तो सिर्फ टोस्ट और दही से गुजारा है। चाय में चीनी कितने चमचे पीते हैं? दो। कितने साल हो गए शादी को? 21 साल। तीन चार कहते हैं। इक्कीस साल में ये नहीं पता चला कि मियाँ चीनी कितने चमचे पीता है, ये हाल है घर का। चाय का चमचा डेढ़ होता है। शौहर कहता है तो बीवियाँ जो है ना वो कहती हैं कि ये जो आजकल के मर्द है ना, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, और ये होते हैं, और ऐसी खराबी करते हैं। डेढ़ चमचा। आपकी शादी कौन से दिन हुई थी? अच्छा, शादी के रोज पहली बात आपने इनसे क्या की? शादी के रोज, निकाह के रोज पहली क्या बात की थी कि जूते कौन से पहने थे? इस बात का ताना बहुत मिल चुका है, इसलिए मुझे इस पर याद हो गई। अच्छा अच्छा, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरे बेताशा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त। फिर सोच के जवाब दो, इसमें हो सकता है मेरी इज्जत इन्वॉल्व हो। नहीं, मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ। ओके शकील, दुनिया में सबसे कीमती चीज आप किसको समझते हैं? वक्त के साथ ये चीजें बदलती रहती हैं, बट अब इस जिंदगी के स्टेज में मैं समझता हूँ कि ईमान सबसे बड़ी। वाह, कितने सवाल ठीक हुए? काफी ठीक हो गए। इसका मतलब है काफी हमाहंगी है, लेकिन ये याद रखिएगा आज के इस प्रोग्राम के बाद कि आपके शौहर चाय में 2 चमचे चीनी पीते हैं। और आपने बहुत ज्यादा इकरार किया। शकील, आपने अंकल उर्फी में काली दाढ़ी थी इसी तरह की, ये अब सफेद क्यों हो गई है? नहीं, ये किसी ड्रामे के लिए? हाँ, ये किसी एक ड्रामे के लिए है। और दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आपने अंकल उर्फी देखा था वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अच्छा, उस वक्त भी दाढ़ी सफेद ही थी? सफेद नहीं थी, मगर ये कि काली थी। बहसे छोर के इनको कैसा पाती है? बिल्कुल सच बात कीजिएगा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है आप नहीं बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा सच। आप पहले बोल दें। नहीं, पहले आप बोले ना। अब दो सौ का नहीं लड़ रही।
सच गो, इसलिए बनावट नहीं है, इसलिए सुकून है, इसलिए कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा है। आपकी आमद का शुक्रिया अदा करते हुए LG होम अप्लायंसेस और क्राउन टॉप स्टार टेलीविजन वालों की जानिब से आपको एक माइक्रोवेव अवन दिया जाता है। आपकी आमद का शुक्रिया।